आज परमेश्वर की सुंदरता नहीं झलकती है, परंतु इस संसार की सुंदरता जो है वो झलकती, परंतु अंदर जो है स्किन में आप देख लीजिएगा, तभी ज्यादातर जो है स्किन कैंसर जो होते हैं वो होते हैं, बहुत सी और बीमारियां जो हैं वो पैदा हो जाती है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के विषय में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से दूसरे खंड में है सात कलीसियाओं के नाम पर। हम सीख रहे हैं सर्दिस की कलीसिया के विषय में। सर्दिस की कलीसिया का ये चौथा भाग है। पिछले संदेश में हमने प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 1 पद से सीखा था, उसके 6 पॉइंट के विषय में सीखा था कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जीवित तो कहलाता पर है मरा हुआ। आज हम सीखेंगे सर्दिस की कलीसिया के 7वें पॉइंट के विषय में कि मसीह द्वारा दूत के काम की प्रशंसा करना। जी हां, दूत के काम की प्रशंसा करना। एक बात ध्यान रखें, यहां पर जो है हम प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 2 और 3 पद को हम बाद में सीखेंगे, परंतु आज हम जो है इसके 4 पद को देखेंगे। यहां क्या लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 4 पद पर। हां, सर्दिस में तेरे यहां कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य हैं। सबसे पहले हम देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि कोई भी पद होता है उसकी रूपरेखा तैयार कर लीजिए, और कई बार बताई है। चलिए इसकी रूपरेखा को हम देखते हैं। यहां लिखा है जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए हैं, और दूसरा है श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वो इस योग्य हैं। ये किनके बारे में बात कर रहा है, यानी सर्दिस की कलीसिया में कुछ ऐसे लोग हैं। देखिए सभी नहीं है, और ये तो हर कलीसिया की बात है। आज हर कलीसिया में कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो चर्च के नियमों का पालन बाखूबी करते हैं, पास्टर्स का सम्मान करते हैं, लोगों का सम्मान करते हैं, और बहुत सी बातें जो है वो करते हैं। सभी नहीं होते, तो यहां पर जो है इससे बात की है। तो यहां जो है सबसे पहले हम बात करेंगे कि वस्त्र की बात करेंगे कि वस्त्र जो होते हैं 2 प्रकार के वस्त्र होते हैं। सबसे पहला क्या है कि जब हम बात करते हैं शरीर की, तो शरीर का जो वस्त्र है ये जो ऊपर की स्किन है ये शरीर का वस्त्र कहलाया जाता है। जी हाँ, शरीर का वस्त्र जो है इसको कहा गया है स्किन को। आप एजेकल 37 अध्याय 1 से 10 तक पढ़ सकते हैं, खासतौर से उसका 7 और 9 पद जो है, हड्डियां नसें मांस चढ़ा चमड़े से ढप गई, और उसके बाद फिर 7 है। चमड़े से ढप जाने का मतलब होता है यानी ये स्किन जो है इसने ढाक लिया, जो उसका वस्त्र होता है ये हमेशा रखे। और दूसरा जो है, हम जो शरीर के ऊपर जो वस्त्र पहनते हैं, जो फैशन जिसको हम कहते हैं, आजकल तो बहुत ही अद्भुत फैशन है, ठीक है, ये वस्त्र जो है, ये जो वस्त्र हमारे पास जो आए हैं ये हमारे पाप के कारण आए हैं। क्योंकि जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया तो लिखा वो बिल्कुल नंगे थे और शर्माते नहीं थे, परंतु जब पाप आया तो वो एक दूसरे से शर्माने लगे और वो छुप गए, और उन्होंने जो थे अंजीर के कपड़ों का लंगोट बनाकर जो है अपने अंगों को ढका। जी हाँ, उसके बाद परमेश्वर ने जो है वस्त्र दिए हैं, और इस तरीके से आज फैशन इतना आ गया है कि कपड़े पहने ना पहने नंगापन तो वैसे ही दिखाई देता रहता है, और लोगों को बड़ा मजा आता है। यह चाहे वो लड़कियां हों, लड़के हों, औरतें हों, कोई भी लोग क्यों हों, उन्हें बड़ा मजा आता है अपने शरीर को दिखाना। वो उसी पैटर्न में जा रहे हैं नंगे होने की, जो परमेश्वर ने जिसको ढाका था वो उसको खोलकर उजागर करते हैं। यहाँ अब यहां है, ये दोनों प्रकार के वस्त्र जो है ये जो है दिखाए गए हैं, जो अशुद्धता से को दर्शाते हैं या बचाते हैं या जैसा भी आप समझ लीजिए, परंतु मैं और भी बहुत से वस्त्र हैं, मैं आपको रेफरेंस दूंगा और वस्त्र के नाम बताऊंगा। मैं पूरे रेफरेंस नहीं पढ़ूंगा क्योंकि फिर बहुत समय हो जाएगा, क्योंकि बाइबल के अंदर बहुत से वस्त्रों का जो है वर्णन किया गया है। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहां लिखा हुआ है भजन संहिता 132:9 पद में धर्म के वस्त्र, भजन संहिता 132:16 पद उद्धार के वस्त्र, भजन संहिता 132:18 लज्जा का वस्त्र, यशया 52:1 पद शोभा मान्य वस्त्र, यशया 59:17 पद बदला लेने का वस्त्र धारण किया, फिर यिर्मयाह 4:28 शोक का वस्त्र,
यानी काला वस्त्र, यिर्मयाह 52 और उसका 33 पद है बंदी गृह का वस्त्र। आपने देखा होगा ना जेल के वस्त्र अलग हैं, तो इसमें बंदी गृह का वस्त्र भी लिखा हुआ है, ये वहीं से आया। एजेकल 7 और उसका 27 पद उदासी रूपी वस्त्र, अमोस 2 और 8 बंधक यानी गुलाम के वस्त्र, और नहुम 2 उसके 3 पद में योद्धा यानी युद्ध के वस्त्र। मती 22 और 11 से 12 जब आप पढ़ेंगे वहां लिखा विवाह के वस्त्र यहां पर है। फिर है जब आप मेमने की दुल्हन के बारे में पढ़ेंगे, मेमने की दुल्हन का जो वस्त्र है वो कैसा होगा, प्रकाशित वाक्य 19:8 शुद्ध और चमकदार महीन मलमल यहां लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो ये जो है ये कई प्रकार के वस्त्र है, और परमेश्वर चाहता भी है कि जब प्रभु यीशु मसीह जब मेमने का ब्याह है तो उसकी दुल्हन को जो है इस प्रकार के वस्त्र जो है वो दिए जाए, जो पवित्रता को दर्शाते हैं, जो पवित्र कामों को दर्शाया जाता है, जो धर्म के कामों को। देखिए वस्त्र वस्त्रों का जो है हर वस्त्र का अलग अलग अर्थ है और अलग अलग उसका वर्णन किया गया है, इसलिए मैंने आपको सारे वस्त्रों का बताया कि उनके अलग अलग अर्थ हैं और उनका अलग अलग वर्णन किया गया है। यहूदा की पत्री को जब आप पढ़ेंगे, एक ही अध्याय है उसमें, उसके 23 पद को जब आप पढ़ेंगे तो वहां क्या लिखा, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया। अब ध्यान दीजिएगा परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया। शरीर के द्वारा कलंकित होने का मतलब क्या, जो अशुद्धता, व्यभिचार, गंदापन, लुच्छपन, लीला क्रीड़ा, इस तरीके से जो काम होते हैं उनसे क्या होता है, कहता है कि जो वो शरीर के वस्त्र उनको भी मत छुओ, क्योंकि पाप की बू आती है। पाप जो है जिन वस्त्रों के द्वारा पाप दर्शाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, बहुत से लोग ऐसे वस्त्र पहनते हैं, इतने चिपके हुए वस्त्र पहनते हैं कि उनके पूरे अंग जो हैं उभर कर नजर आते हैं और वो पाप को जो है वो दर्शाते। कहते हैं ऐसे वस्त्रों से जो है परमेश्वर कह रहा है कि घृणा करो, ऐसे वस्त्रों से भी दूर रहो, परमेश्वर कह रहा है क्योंकि कलंकित हो चुके हैं वो। और फिर क्या कह रहा है, शरीर के द्वारा कैसे कलंकित होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया शरीर के द्वारा जो है बहुत सी चीजें। अब ये शरीर के द्वारा जो ये वस्त्र है, इन्हीं वस्त्र की बात नहीं है, ये तो कलंकित हो जाते हैं, ये तो कलंकित हैं, परंतु हमारा जो शरीर का जो वस्त्र है, जो स्किन है, जब शरीर के काम प्रकट होते हैं ये कलंकित हो चुका है। वो कहता है इन वस्त्रों को या तो हम अपने आप को धोकर शुद्ध और पवित्र करें ताकि हम शुद्धता और पवित्रता में जो है वो जीवन को जिए। अब क्या लिखा, देखिए ध्यान दीजिएगा मत्ती 5 अध्याय उसके 28 पद विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है प्रभु क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि किसी स्त्री पर आपने कुदृष्टि डाली, बुरे विचार किए, सामने से कोई स्त्री आ रही है या किसी स्त्री के बारे में आपने मन में गलत सोच लिया, तो आपने उसके साथ व्यभिचार किया है। परमेश्वर का वचन जो है इस बात को कहता है, और इसलिए पौलुस जो है वो क्या कहता है, अब देखिए पौलुस बड़ी अच्छी बात कहता है रोमियो 12 और उसके पहले पद में, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हमें क्या करना है, अपने शरीर को पहले क्या करना है, यह लिखा अपने शरीर को इससे जीवित करना है। जीवित करने का मतलब क्या है, जो पाप है, पाप के कारण क्या है, हम मरे हुए के समान है। जैसे हमने पिछले संदेश में भी देखा कि प्रभु यीशु मसीह दूध से क्या कहता है, तो जीवित तो कहलाता है परंतु है मरा हुआ, यानी हम मरे हुए के समान है, चलती फिरती लाश है, पहले इसको जिंदा करना है। और ये जिंदा कैसे होगा, यीशु मसीह यदि हमारे अंदर है तो हम आत्मिक रूप से जीवित हो जाते हैं और हमारा शरीर जो है फिर शुद्ध और पवित्र हो जाता है, और जब शुद्ध और पवित्र हो जाता है तो वो क्या होता है, फिर हम हमारा शरीर जो है हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर सकते हैं। बड़े समझने वाली बातें हैं ये, अगर हम इस तरीके से करते हैं तो बहुत सी परमेश्वर की आशीष जो है हमारे जीवन में लिखी है, क्योंकि पहला पत्रस 1 अध्याय उसके 16वें पद में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर क्या कहा, परमेश्वर हमें आना चाहता है, परमेश्वर हमें वास करना चाहता है, और इसलिए वो कहता है कि मैं आऊं कैसे तुम्हारे अंदर, क्योंकि तुम्हारा शरीर तो कलंकित है, अशुद्ध है, अपवित्र हो चुका है, इसलिए वो कहता है कि अपने आप को शुद्ध करो, पवित्र करो जैसे मैं पवित्र हूं। और जब हम पवित्र हो जाते हैं तो
प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर आ जाता है, अर्थात वो जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह जीवन है और वो जीवन हमारे अंदर आ जाता है और फिर हम स्वर्गीय रूप से आत्मिक रूप से जो होते हैं जीवित हो जाते हैं और धर्मियों की और पवित्रता की श्रेणी में खड़े हो जाते हैं और परमेश्वर को वो जीवन भाता है और परमेश्वर हमें स्वीकार करता है और यही हमारी आत्मिक सेवा परमेश्वर के लिए होती है। परमेश्वर का वचन जो है वो कहता है, जब आप पढ़ेंगे ना पहला पत्रस 3 अध्याय और उसका 3 से 4 पद तक यहां लिखा, तुम्हारा सिंगार दिखावटी ना हो, यहां लिखा अर्थात बाल गूंदना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुशासित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। अब यहां क्या है, यहां परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि हम जो हैं ऐसे दिखावटी कपड़े ना पहने, अशुद्धता जिससे प्रकट होती है या बुराई जिससे प्रकट होती है, तरह तरह के फैशन लोभी बाल बनाना और बाल आज तो बहुत ही पता नहीं भैया अजीब अजीब से फैशन है, परंतु परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा मनुष्यत्व जो है, तुम्हारा अंदर का स्वभाव जो है वो सुंदर होना चाहिए और शरीर पवित्र होना चाहिए, जो परमेश्वर को भाता है, जो परमेश्वर को अच्छा लगता है और परमेश्वर जो है वही चीज जो है वो हमें देना चाहता है। जब आप यशाया 3 अध्याय उसका 16 से 23 पद तक पढ़ लीजिएगा, आप उसको मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर रहा हूं, वहां परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर क्या कहता है, हे सियोन की बेटियां जो घमंड करती हैं, टुमुक टुमुक के चलती हैं यानी इतरा कर चलती हैं, और वो कहता है मैं उनके सर को गंजा करूंगा और उनके तन को क्या करूंगा, उघाड़ूंगा यानी नंगा करेगा उन्हें। और आज ये बिल्कुल यशाया 3 अध्याय तो पूरा हो रहा है, मैं उनकी सजावट को, उनकी सुंदरता को, उनके वस्त्रों को, उनकी सारी चीजों को क्या करूंगा, परमेश्वर कह रहा है कि उनकी शोभा को बिगाड़ दूंगा, उनको नष्ट कर दूंगा, परमेश्वर का वचन कह रहा है। और आज ये जो है ये बिल्कुल जो है ये बातें पूरी हो रही है, और ये नहीं है कि सिर्फ लड़कियों की बात है, वहां लड़कों की बात है, जब आप यशाया 3:24 पढ़ेंगे कि बटुआ बेल्ट और ये वो इनकी सारी शोभाओं को दूर करूंगा, उस सुंदरता की शोभा को दूर करूंगा। आप देखिए आज इतना फैशन इंसान करता, अगर वो फैशन ना करे तो वो सुंदर नहीं दिखाई देगा। पहले की स्त्रियां फैशन नहीं, उनकी ओरिजिनल ब्यूटी होती थी, वो कहीं सुंदरता के लिए कहीं लीपा पोती करने नहीं जाती थी, बल्कि वो परमेश्वर की सुंदरता झलकती थी। आज परमेश्वर की सुंदरता नहीं झलकती है, परंतु इस संसार की सुंदरता जो है वो झलकती, परंतु अंदर जो है स्किन में आप देख लीजिएगा, तभी ज्यादातर जो है स्किन कैंसर जो होते हैं वो होते हैं, बहुत सी और बीमारियां जो हैं वो पैदा हो जाती हैं। वो क्यों? क्योंकि दिखावटी सजावट से हम सज रहे हैं, अपने आप को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, और परमेश्वर यही नहीं चाहता है। फिर क्या है, प्रकाशित वाक्य 3:4 पद में यही कहता है, इसलिए प्रभु कहता है कि सर्दिस की कलीसिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र अर्थात अपने आप को अशुद्ध नहीं किया, वे मेरे साथ श्रेष्ठ वस्त्र पहने अर्थात पवित्र पवित्र के वस्त्र धारण करे हुए वो घूमेंगे। कुछ ऐसे लोग हैं, मगर हम सभी लोग अगर ऐसे हों कि पवित्र वस्त्र को धारण करें और परमेश्वर के साथ घूमें, तो ये बड़े आनंद की बात होगी और बहुत होगी। लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो ये धार्मिकता के वस्त्र और उनकी बात होती है, प्रकाशित वाक्य 19:7-8, शुद्ध और चमकदार महीन मलमल उनके धर्म के काम है जो उन्हें पवित्र बनाते हैं। वहां लिखा ना कि मेमने का ब्याह आ पहुंचा, और हम आनंदित और मगन, और मेमने का ब्याह आ पहुंचा है और उसकी पत्नी अर्थात दुल्हन ने जो है अपने आप को तैयार कर लिया है और उसको महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। ये महीन मलमल जो है ये उनके धर्म के काम है, तो हम वो धर्म के काम करें, वो धार्मिकता के वस्त्र को पहने जिससे प्रभु आनंदित और खुश होता है, जिससे हमारी इज्जत भी बढ़ती है, हमारी नुमाइश नहीं। आज तो जो कपड़े हम पहनते हैं और जो लिपा पोती हम करते हैं उससे हमारी नुमाइश होती है और कुछ नहीं होता है, और ये नुमाइश हमारी नहीं होनी चाहिए। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन।